नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Poco F3 GT वर्सेस Asus ROG Phone 3 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Poco F3 GT में 6.37 इंच जबकि ROG Phone 3 में 6.73 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Poco F3 GT में 3.03 इंच जबकि ROG Phone 3 में 3.07 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Poco F3 GT में 0.33 इंच जबकि ROG Phone 3 में 0.39 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Poco F3 GT से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Poco F3 GT में 205 ग्राम्स जबकि ROG Phone 3 में 240 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Poco F3 GT से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Poco F3 GT में 20:9 जबकि ROG Phone 3 में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco F3 GT में 6.67 इंचेस जबकि ROG Phone 3 में 6.59 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Poco F3 GT में 1080x2400 और ROG Phone 3 में 1080x2340 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Poco F3 GT में 86.27% जबकि ROG Phone 3 में 79.75% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Poco F3 GT में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि ROG Phone 3 में 391 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Poco F3 GT में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और ROG Phone 3 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Poco F3 GT में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और ROG Phone 3 की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Poco F3 GT में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और ROG Phone 3 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Poco F3 GT में Mali-G77MC9 जबकि ROG Phone 3 में Adreno 650 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Poco F3 GT में MediaTek Dimensity 1200MT6893 और ROG Phone 3 में Qualcomm Snapdragon 865 Plus मिलता है। बात करें RAM की तो Poco F3 GT में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि ROG Phone 3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Poco F3 GT में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि ROG Phone 3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Poco F3 GT में Android V11 जबकि ROG Phone 3 में Android V10 क्यों देखने को मिलती है। बैटरी Poco F3 GT में 5065 mAh जबकि ROG Phone 3 में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
पोको F3 GT में 2 कलर्स जबकि ROG Phone 3 में 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पोको F3 GT में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 30,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें ROG Phone 3 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 46,999 रुपीस, 12 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 43,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में ROG Phone 3 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo EQ7 है जो कि 31,990 रुपए में मिलता है। दूसरा Xiaomi Poco F3 GT है जो कि 26,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme X7 Max है जो कि 27,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord से 5G है जो कि 27,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।